वेलकम बैक एंड वॉचिंग मीन टेक्नाइज। और आज हम बात करेंगे विंडोज 11 के बारे में। 24 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को लॉन्च कर दिया है 24 जून 2021 को। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, विंडोज 11 की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एक स्पेशल चेंजेस, और लास्ट में आपको दिखाऊंगा इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं विंडोज 11 के अंदर कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलने वाला है। ये उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आप यहाँ पे इसे प्ले करके देख सकते हैं इस वीडियो को। वैसे इस वीडियो के लास्ट में आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को मैं चला करके दिखा दूंगा। अभी हम करते हैं इसको बंद, चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे सिंपल सा आया हुआ है कि गेट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो विंडोज 11 में कंप्लीटली न्यू लुक्स देखने को मिलते हैं। हर सिस्टम आप देख सकते हैं, आइकन्स तक आपको न्यू देखने को मिलेंगे इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, आइकन को देख लीजिए, सब कुछ ऑलमोस्ट न्यू देखने को आपको मिलेगा। सो कम्प्लीटली फ्रेश है इस बार। मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल टाइप के इसके अंदर आपको मल्टी टास्किंग फॉर्मेट्स में जाते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स में, डिपेंडिंग अपन योर स्क्रीन साइज एंड योर अवेलेबिलिटी ऑन विजिबिलिटी, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर आप मीटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल मीटिंग, चैट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट एकदम न्यू टाइप का एक्सपीरियंस है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आप इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हैं। ये कुछ आई होप गूगल टाइमलाइन जैसा है, जो नॉर्मली एंड्रॉइड स्मार्टफोन में अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपको एक गूगल का टाइमलाइन पेज व्यू मिलता है, जिसके अंदर आपको स्पेशली न्यूज़ और आपके फ़ोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। शायद वैसा कुछ भी अब इसमें अवेलेबल होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ में मल्टीपल विजेट सपोर्टेड होंगे माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे कुछ ऐसा विंडोज 11 के साथ में गेम पास आपको देखने को मिल जाता है। गेम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट क्लेम करती है कि गेम्स जो है ऑलमोस्ट 2 to 3 times बेटर चलेंगे आपके विंडोज 11 पीसीज पे। और बहुत सारी चीज़ें इसमें नए नए हार्डवेयर भी सपोर्ट सिस्टम में दिया गया है, तो ग्राफिक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। विंडोज बहुत अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल करेगा ग्राफिक्स को, एंड देन आफ्टर आपको बेस्ट ऑफ गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। टच सपोर्ट जो होता है विंडोज 10 का अच्छा है, बट हो सकता है कि विंडोज 11 का और भी बहुत बेहतरीन इंप्रूव्ड हो। तो टच अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो उसमें विंडोज 11 विल बी अ चेरी ऑन केक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देर आर सम पीसीज विद विंडोज 10 विच कैन बी अपग्रेडेड टू विंडोज 11 व्हेन द विंडोज 11 रोल्स आउट। अभी मतलब सिर्फ इसको शोकेस किया गया है और बहुत ही जल्दी इसको पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत में तो बस हाई एंड पीसीज जिन पे सपोर्टेड है विंडोज 11 उन पे लॉन्च किया जाएगा, जिनके साथ पार्टनरशिप में है कंपनी एचपी डेल और इन सब के अंदर जो हाई एंड वेरियंट होंगे स्पेशली। और बहुत ही जल्दी आपको बाकी अपने नॉर्मल पीसीज पे भी अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह विंडोज इस बार भी आपको फ्री अपग्रेड दे आपके ओरिजिनल विंडोज पे जो है। तो जैसे मेरे पास विंडोज 10 है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेटेड रहना है तो यू कैन टैप ऑन दिस साइन अप, अपने डिटेल्स फिल कीजिए। विंडोज 11 का न्यूज लेटर आपके ई मेल पे आते रहेंगे। सो आई होप इसमें सब कुछ हो गया है ठीक ठाक क्लियर। अब आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे अब हमको दिखाते हैं इसका कंप्लीट कमर्शियल, ऑफिशियल कमर्शियल। स्टार्ट मेन्यू और कंप्लीट सिस्टम को देख सकते हैं, बीच में मूव कर रहे हैं। सीन्स की बात करें, सीन्स बहुत मल्टीपल आ गए हैं। सेटिंग पे भी पूरा चेंज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूरेटिव फिल्म लग रहा है। तो मैं इसको टेस्ट करूंगा तो आपको हर चीज दिखा पाऊंगा उसको।
अब एंड्रॉइड ऐप्स में सपोर्ट होने लगे अपन जैसे टिकटॉक चल रहा है इसके ऊपर। So that's what I'm going to do.